एनआर स्टडी ई प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्तों। हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके की, जो कि आपके थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, राजस्थान के जितने भी एग्ज़ाम हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है लगभग 5000 क्वेश्चनों की सीरीज है, और लगभग आपका 80% जो सिलेबस कवर है इससे हो जाएगा। 100% की गारंटी अगर कोई लेता है तो मान लेना कि झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 100% कभी होता ही नहीं। 80% तो है कि आपकी लगभग कवर हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति का जो टॉपिक चल रहा है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्थल, ये सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में आ रखे हैं, तो वही क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से हमारा टॉपिक क्लियर होता हुआ चलेगा। बाकी अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएंगे। चलेगा दोस्तों, शुरुआत करते हैं। और महत्वपूर्ण है ये, आपके देखो सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे देखो, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल। क्या है राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल? मान के चलिएगा कि ये आपको आराम से याद हो जाएगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं लगा रहूँगा, है ना, तो बिल्कुल चलेगा। बात करते हैं राजस्थान के किस ज़िले में डडीकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है। तो कहाँ पर है डडीकर सेल कला पुरातल स्थल, पूरा स्थल स्थित है? तो ध्यान रखना, ब्रजनगरी आपके भरतपुर अलवर, है ना, तो अलवर के अंदर डडीकर सेल कला पूरा स्थल स्थित है। चलेगा, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ध्यान रखना, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप पूरा अवशेष जयपुर के बैराट नगर से प्राप्त हुए। तो बैराट नगर की जो सभ्यता है वो मौर्यकालीन है। कौन सी? मौर्यकालीन है, तो ये भी आप साथ में ध्यान रखें। तो कहाँ की है? जयपुर की, ठीक है। चलेगा, बैराट को पहले विराट नगर भी कहते थे, तो ये भी आप ध्यान रखें। चलेगा, आगे बात करते हैं, किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट से के नाम से जाना जाता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना, धूलकोट का क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो धूलकोट आहाड़ कहाँ है? उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये देखो साधारण चीज़ें, ये साथ साथ में आप तैयार करते हो चले, और वाकई में आज ये अगर आप क्लास देख लेते हो तो आपको वास्तव में लगेगा कि हमें जो हमने पढ़ा है अभी वो सारा याद हो गया, क्योंकि लास्ट के अंदर आपको पता चलेगा कि याद कैसे होगा, क्योंकि लास्ट तक जब तक बने रहोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में हमने क्या पढ़ा है। चलेगा, सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो रानी सती का जहाँ मंदिर है झुंझुनू, तो वहीं पर आपके रानी सती का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू में। तो सीधा ध्यान रखना, सुनारी सभ्यता कहाँ की है? झुंझुनू की है। साथ साथ में और भी क्वेश्चन हम ऐड करते हुए चल रहे हैं ना, ठीक है, आगे चलते हैं। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? तो बिल्कुल बनास नदी के किनारे स्थित है गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? बनास नदी के किनारे, ठीक है। चलेगा, कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? कालीबंगा पूरा स्थल के किस दिशा में? तो दक्षिण पूर्व। अब एक और जुते हुए खेत किस दुर्ग में है, या किस दुर्ग के अंदर खेती की जाती थी? तो ये ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है ना, किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो साथ साथ में जो क्वेश्चन मुझे याद आ रहे हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी चला ही रहे। कालीबंगा पूरा स्थल किस दिशा में जुता हुए खेत के मिले हुई? ये आपके दक्षिण पूर्व, कालीबंगा यानी काली चूड़ी, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। कौन सी फसल का उत्पादन आहाड़ में नहीं मिलता? तो चावल का उत्पादन आहाड़ सभ्यता नहीं मिलता, आहाड़ सभ्यता उदयपुर की है, ये आप ध्यान रखें। बाकी आहाड़ के अंदर गेहूं, बाजरा और जौ, इनका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है, ठीक है, चावल का कहीं पर भी वर्णन नहीं है। गेहूं का है, बाजरा का है, जौ का, चावल का नहीं। चलो आगे चलते हैं। सन 1837 में बीजक पहाड़ी कहाँ पर है? पहले ध्यान रखना, बीजक पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में है। बैराट स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने, या कैप्टन बर्ट या बार्ट, है ना, कैप्टन बर्ट ने खोजा। किसने खोजा? कैप्टन बर्ट ने खोजा। कहाँ पर? अशोक के शिलालेख भी बैराट नगर से मिले थे, ये जयपुर में है, बैराट की पहाड़ियाँ, विराट नगर भी कहते हैं, बीजक की पहाड़ियाँ भी वहाँ पर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हो गया यार। चलो आगे चलते हैं, किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई? अरे ताम्र सामग्री प्राप्त हुई थी सिक्कर के अंदर, है आपकी गणेश्वर सभ्यता, तो वहीं पर ताम्र सामग्री सबसे ज़्यादा प्राप्त हुई,
ठीक है। और तांबे सब ज़्यादा खेतड़ी झुंझुनू के अंदर तांबा निकाला जाता है, वो तांबे के खाने हैं। परंतु ताम्र सबसे ज़्यादा पुराने समय में कहाँ से प्राप्त हुई, गणेश्वर सभ्यता से। गणेश्वर सभ्यता पड़ती है आपके सिक्कर के अंदर, ठीक है। तो हो गए, चलो आगे चलते हैं। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए, तो बैराट से शैला से प्राप्त हुए, ये ध्यान रखिए। सात अग्नि देवताओं की पंक्ति प्राप्त हुई कालीबंगा से, सात अग्नि वेदिकाओं के, सॉरी ना, सात अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई कहाँ से, कालीबंगा से, ठीक है। आगे चलो, आ जाओ साहब, ठीक है, याद हो रहा है ना, होना चाहिए। आहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संदेश या संकेत देती है, आहाड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है, तो लेपिस लाजुली, ठीक है, लेपिस लाजुली है जो आहाड़ के उत्खनन से प्राप्त तो सामग्री है जो कि बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। नया क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ठीक है, लेपिस लाजुली, ठीक है, चलेगा। गणेश्वर सभ्यता तो बिल्कुल सीधा था, ध्यान रखना है, कांतली नदी, कांतली नदी आपके सिक्र में बहती है, तो बिल्कुल सीधा ध्यान रखना। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ, तो कांतली नदी, ठीक है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए, आड़ संस्कृति, आड़ संस्कृति बनास उदयपुर, वो उदयपुर का पूरा इलाका आड़ में आता है, ठीक है, आड़ संस्कृति। देखिएगा, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, तो ताम्रप्रस्तर युग, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं, ताम्रप्रस्तर युग, हो गया, हो जाएगा याद, ताम्रप्रस्तर युग, ठीक है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, बीबी लाल थापड़ ने, बीबी लाल है ना, कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में हुआ, तो बीबी लाल, याद हो जाएगा, बीबी लाल, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा में है, बागोर याद आता है, सीधा भीलवाड़ा दिमाग में आना चाहिए, भीलवाड़ा कैसे पता, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी, तो बागोर में कोठारी नदी है, सीधा सा याद हो जाएगा आपको, ठीक है, ये प्रयोगशाला साहित्य के अंदर भी आया था 2019 में। लियो आगे चलो, लियो आगे चल ले। निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, तो 2500 से 1500 ईसा पूर्व आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है, 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, कब से, 2500 से 1500 ईसा पूर्व, हो गया याद, हो गया। दो मुंह का चूल्हा व बहुत से बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा वो पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले, तो आहाड़, सीधा याद रखोगे, दो दो मुंह वाला चूल्हा, ठीक है, और चूल्हा है, चूल्हा है तो बर्तन तो होंगे ही, तो बिल्कुल बर्तन में मिले, देखो बर्तन मिले तो सिलबट्टा भी होगा, तो सिलबट्टा भी मिले, और जब सिलबट्टा होगा तो बिल्कुल आप जब खाना बनाओगे तो पेन कॉपी लेकर बैठोगे, इतना इसमें सब्जी वगैरह डाल ली है, तो पेन, पेन याद हो जाएगा, बस याद रखो। बैराट, तो बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य संघ की राजधानी थी बैराट, जो कि आपके जयपुर में जो पाड़िया है, बैराट की, विराट की, बीजक पाड़िया, ये सारी वहीं की है, मौर्य युगीन काल में, है ना। चलेगा, किस स्थल में जाक बाबा की प्रतिमा प्राप्त, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जाक बाबा का कहीं पर भी नाम आए तो ध्यान रखना, नहो भरतपुर, जाक बाबा नहो भरतपुर, कहाँ पर है, जाक बाबा का कहीं पर नाम आए तो ध्यान रखना, नोह सभ्यता भरतपुर की है, तो बिल्कुल भरतपुर का ही बम नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है, बम नृत्य, और ये सबसे ज़्यादा, ये भरतपुर धौलपुर, ये ब्रज, मतलब सबसे ज़्यादा उधर ब्रज चलते, क्योंकि यूपी से रिलेटेड हो गया, तो बिल्कुल चलेगा। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए, तो कालीबंगा के। किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए, देखो सामरिक महत्व क्या होता है, देखो सामरिक महत्व क्या होता है, देखो पहले जो दुर्ग बनाते थे ना, दुर्ग को ऐसे बनाते थे कि कोई बाहर से आक्रमण करे तो हम आराम से ऊपर बैठे उस पर हमला कर सके, यानी दुर्ग के अंदर ही सुख सुविधाएँ होती थी, तालाब वगैरह, पानी वगैरह, खेती वगैरह, है ना, तो जिस वजह से यानी सामरिक दृष्टि से दुर्ग महत्वपूर्ण था, तभी तो मुगल वगैरह अफगान से आते थे और सोचते थे कि एक दो दुर्ग हम भी ले लें, ऐसे कि आराम से युद्ध जीत जाए,
तभी तो इतने दो दो साल तक, तीन तीन साल तक दुर्गों में रह जाते थे, हैं, बिना बाहर जाए, बाहर सेना खड़ी रहती थी और अंदर दुर्ग में बैठे रहते थे। तो वही तो थी, क्योंकि सामरिक दृष्टि से दुर्ग बनाए जाते थे भारत के अंदर, है ना। चलेगा, आगे बात कर लेते हैं। देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थल से शासक मेंढेकर के 16 सिक्के प्राप्त हुए? तो बैराट से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि 16 सिक्के, तो 16 सिक्के तो सीधा आप बैराट याद रखना। कौन सा? बैराट। कौन सा? बैराट हो जाएगा याद। चलेगा, देखिएगा, बैराट जयपुर से पंचमार्क, ठीक है, 84 मुद्राएं, इंडो ग्रीक शासकों से 24 मुद्राएं प्राप्त हुई। इंडो ग्रीक शासकों से कितनी? 24 मुद्राएं। और इंडो ग्रीक मुद्राओं में 16 मुद्राएं प्रसिद्ध थी जो कि यूनानी शासक मेंढेकर की थी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना, 16 शासक जो 16 मुद्राएं यूनानी शासक मेंढेकर की थी, ठीक है। और 84 पंचमार्क मुद्राएं भी थी, और इंडो ग्रीक शासकों की थी 24 मुद्राएं, ना, ये ध्यान रखना। निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंगों की सुंदर ज्यामितिक डिजाइनों से सजाया गया था? तो ध्यान रखना, आहार को सजाया गया था। किसको? आहार को। हो गया। चलो आगे, निम्नलिखित में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई? बैराट। पंचमार्क प्राप्त हुई बैराट, और बैराट ही ऐसा है, बैराट की पंचमार्क की मुद्रा कितनी थी? 84। अरे याद करो ना, ऊपर गया 84 याद नहीं हुआ का। और इंडो ग्रीक शासक 24 मुद्राएं थी, और ये आपके मेंढेकर की 16, ठीक है। चलो आज 25 क्वेश्चन करते हैं, और बाकी 25-30 क्वेश्चन और है जो अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, फिर अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है। और जो मैंने अभी 25 क्वेश्चन पढ़े हैं तो थोड़ा स्पीड में रिविजन कर लेते हैं, बाकी आपको याद तो हो गए होंगे। चलेगा ना, हो गए? जल्दी कमेंट करके बता दो भाई, याद हुआ या नहीं हुआ, वरना हम याद करवाएंगे। मैंने कहा था लास्ट तक बने रहे। चलेगा, रडिकर, अलवर, मौर्य युगीन, बैराट, सीधा याद होना चाहिए। धूलकोट, आहाड़, सोनारी, झुंझुनू, गिलुंड, बनास, ठीक है, सीधा याद रखो। फिर फसल कौन सी नहीं है? तो चावल नहीं, जो बाजरा और गेहूं है, ठीक है। और 1837 बीजिक पहाड़ी, सीधा कैप्टन बर्ट शिलालेख, खोज, आगे चलो, ठीक है। ताम्रपाषाण, सीधा था गणेश्वर, कांतिली नदी, सीधा याद होना चाहिए। चित्रित सेल से वैराट, सात अग्निवेदिका, कालीबंगा, ठीक है। और जो संपर्कों के लिए जो संकेत के रूप में उत्खनन हुआ था, लेपिस लाजुली, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, नया क्वेश्चन है इस वजह से। कांतली गणेश्वर सभ्यता, और आहाड़ उदयपुर के अंदर आपके बनास नदी के किनारे सांग नदी के तट पर, गिलुंड सभ्यता, ताम्रप्रस्तर युग, कालीबंगा उत्खनन निर्देशक बीबी लाल, बागोर, भीलवाड़ा, कोठारी, सीधा याद रखे, ठीक है। और कब से कब तक? 2500 से 1500। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा के बाद चलते हैं आहाड़। आहाड़ में क्या क्या मिला? दो मुंह वाला चूल्हा, बर्तन मिले, पेन मिला, सिलबट्टा मिला। बैराट जो कि किसकी राजधानी थी? मत्स्य संघ की। फिर ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जाक बाबा नोह भरतपुर, ठीक है। फिर किलेबंदी, सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष कालीबंगा से, ठीक है। फिर मेंढेकर 16, बैराट अभी, और पंचमार्ग मुद्राएं, और 24 ग्रीक शासकों की मुद्राएं, ये लो याद, आगे चलो। फिर सीधा मर्द भांड आहाड़, आगे चलो। पंचमार्क बैराट, 84 मुद्राएं, ये लो, ये फ्री, बस हो गया रिवीजन। ऐसे और अगला वीडियो हम लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा ये बताओ भाई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अगर बढ़िया लगा हो तो और वीडियो लेकर आएँ, और अगर विस्तार से पढ़ना चाहते हो तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। अगर कोई नई भी होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। और फिर 6 से लेकर 10 तक की जो NCERT की जो साइंस है, तो वो भी लेकर आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप जुड़े रहिएगा। चलेगा दोस्तों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।